जमाल भाई, यू हैव 90 सेकंड्स टू जस्टिफाई व्हाई इस्लामिक कंट्रीज आर नॉट इस्लामिक कंट्रीज। इस्लामिक कंट्रीज आर नॉट इस्लामिक कंट्रीज। इस्लामिक कंट्रीज क्यों इस्लामिक नहीं है? इस्लामिक क्या होता है? इस्लामिक महज ये नहीं होता कि जो कुछ मरासम उबूदियत के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर परफॉर्म करते हों, जुबा और दस्तार और लिबास और आप रहन सहन के चंद तरीके ऐसे कर लें कि जो डिवाइन नॉलेज में आए हैं और आप ये क्लेम करना शुरू कर दें कि हम पूरे के पूरे इस्लामी हो गए हैं। आप गौर करना शुरू करेंगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि 90% ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स वो इज्तमाहियत से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कलेक्टिव विजडम से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम के तमाम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, तमाम के तमाम सोशल प्रिंसिपल्स, तमाम के तमाम जस्टिस के प्रिंसिपल्स, तमाम के तमाम गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स, ये सारे के सारे जितने भी हैं, डिफेंस के प्रिंसिपल्स जितने भी हैं, उमूर दाखिला और उमूर खारजा के जितने उसूल हैं, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो कंट्रोल और अथॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस सारी बात को सुनकर ज़रा आप गौर कीजिए, पूरी दुनिया के अंदर आप खुद जवाब देंगे कि यार ये बात है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कोई एक इस्लामी मुल्क भी ऐसा नहीं है जो पूरा इस्लामी हो। पूरा इस्लामी का मतलब ये है कि जो कलेक्टिवनेस के अंदर अपने पूरे इस्लाम को लेके आता हो। आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम अक्सरियती ममालिक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस तरह के निज़ाम को अपने अंदर पाता हो जो इस्लाम चाहता है।